मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। एंड उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आज मुझे जाना है डॉक्टर को विजिट करने, यानी आई स्पेशलिस्ट के पास मैं जाऊँगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, तो उसकी मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी से जाना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। आई होप सो आज अपॉइंटमेंट मिल जाए। जिस डॉक्टर को विजिट करूँगी मैंने सोच के रखा है, उनका अपॉइंटमेंट बहुत ही अर्ली मॉर्निंग लेना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक सो मुझे मिलेगी या नहीं आज, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6:30 एंड निकलते निकलते आई थिंक 7:30 हो जाएगी। इनका चैम्बर भी मेरे हॉस्टल से दूर है, सो लेट्स सी क्या होता है। अगर आज नहीं मिलता है देन आई थिंक दूसरा कोई भी डॉक्टर को मैं दिखाऊँगी। सो या अभी मुझे जल्दी से रेडी होना है एंड इसके बाद मैं निकल जाऊँगी। एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल मैं आई थिंक अपॉइंटमेंट लेने के बाद आके करूँगी हॉस्टल में, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी मैं रेडी होके निकलने वाली हूँ। जा तो रही हूँ बट अभी सुबह के 8 बजने वाली है, एंड आज नहीं 8 बजे 7:45 हुई है, बट आई डोंट नो आज भी अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं। सो फर्स्ट जिस क्लिनिक में मैं गई थी वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फुल हो गई थी, तो इसलिए अभी मैं आई हूँ आदित्य हॉस्पिटल में। बट अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो इसलिए अभी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आएंगे अराउंड 10 बजे, तो इसलिए मैं इतने टाइम यहाँ पे वेट करके क्या करूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल ही चली जाऊँ एंड देखती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ रूम में एंड रूम में आके मैंने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद ना अभी मैं फिर से रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी हो रही हूँ। तो मैं आज सुबह तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, हॉस्टल में नहीं थी, मैं चली गई थी बाहर, तो इसलिए मेरे सामने जो रूम है मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वो KFC की चिकन ऑर्डर की थी, तो उसने इसलिए मेरे लिए यहाँ पे रख दिया है। तो अभी मैं जल्दी से इसे फिनिश करूँगी एंड इसके बाद मुझे जल्दी से कॉलेज भी जाना है। यम्मी। सो डन, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी निकलना है, लेकिन इससे पहले अभी मैं मास्क वेयर कर लूँगी क्योंकि कोविड की केसेस अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो कॉलेज में भी स्ट्रिक्टली अभी मास्क पहनना ही होगा। सो गाइस, आज ही नेक्स्ट डे, एक्चुअली कल क्या हुआ ना, कल मैं गई थी, क्या हुआ पता है, कल जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैं लेने गई थी अर्ली मॉर्निंग, वो मुझे नहीं मिली क्योंकि फुल हो गई थी। एंड सुना है कि उस डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग लेना पड़ता है, लाइक 7 बजे से भी पहले, क्योंकि मेरी जो हॉस्टल है उसके गेट ही 7 बजे के बाद खुलती है, तो मैं इतनी सुबह तो जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए वो कैंसिल कर दिया मैंने। इसलिए आज मैं फिर से गई थी, तो उसका मैंने कोई भी फ्लॉप नहीं किया जाने के टाइम, बिकॉज आज भी मैं श्योर नहीं थी कि आज भी अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं या फिर क्या सिस्टम होगा, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। बट अभी मैं आई हूँ, थैंक गॉड आज मैंने ट्रीटमेंट कर ली है। पहले ही मैं आ गई थी हॉस्टल रूम में, आज मेरी कॉलेज नहीं थी एंड कुछ रीजंस की वजह से आज बंद थी, तो आज वो मार्केट से आने के बाद ना मैं और मेरी और दो तीन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम लोगों ने मिल के कॉफ़ी एंड ऑल खाई है आज, बहुत दिनों के बाद टाइम स्पेंड की है क्योंकि हमें टाइम मिलता ही नहीं है ना। कॉलेज से आती हूँ अराउंड 7:30, तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद ही लंच टाइम हो जाती है। हमारे रूम्स भी डिफरेंट है, अलग अलग रूम है, तो इसलिए आज ही टाइम था, तो इसलिए आज बहुत अच्छे से हमने 1.5 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया। सो एक्चुअली मुझे बहुत पहले ही ट्रीटमेंट करवानी चाहिए थी, मैंने ये गलती कर दी है। बहुत पहले से मुझे ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यानी मुझे दूर की जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली जो लेटर्स है वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर में देखती हूँ, तो वो बहुत दिनों से था, बट मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ मेजर नहीं है, सब कुछ ठीक ही है, बट एक्चुअली मुझे बहुत दिनों पहले ही दिखाना चाहिए था। उन्होंने मुझे स्पेक्स सजेस्ट की है, ऑब्वियसली स्पेक्स एंड ऑल मैं बनाने देख के आई हूँ, तो आज तो नहीं मिली है, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन या फिर 3 दिन के बाद मिल जाएगी, उसके बाद मैं वो भी शेयर करूँगी या फिर मैं साइड्स में कुछ फ़ोटोज़ इंसर्ट कर दूँगी भी है। और मैंने बहुत सारी स्पेक्स ट्राई की है, तो एंड इसमें से ही मुझे एक पसंद आई है तो वही मैंने लिया है। यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ इंसर्ट कर दूँगी कि कौन कौन से स्पेक्स मैंने ट्राई की थी, वहाँ पे फ़ोटो खींच के मैं देख रही थी कि अच्छी लग रही है या नहीं, मेरे फेस को सूट कर रही है या नहीं, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी आप स्पेक्स यूज़ करो ना वो आपकी फेस शेप के अकॉर्डिंग हो। एंड फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फेस है वो लॉन्ग टाइप है, यू नो राउंड नहीं है,
तो मैं अगर यू नो लॉन्ग शेप की या फिर रेक्टेंगल शेप की कोई भी स्पेक्स यूज़ करूँ तो वो मेरे फेस में अच्छी नहीं लगेगी। राउंड शेप की कोई भी स्पेक्स अगर मैं यूज़ करूँ तो वो मेरे फेस में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो सब देखते देखते थोड़ा सा लेट हो गई थी वहाँ पे। बट एनी वेज अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, लाइक मुझे कल एक असाइनमेंट सबमिट करनी है कॉलेज में, इसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे क्लास में उसे प्रेजेंट करना है एंड सर्वे भी करनी है, बहुत बहुत कुछ काम है। तो बहुत दिनों से मैं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही थी इस चीज़ों को, घर में जब गई थी ना तभी मैं करके आई थी, यहाँ पे आने के बाद हुआ नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सब कंप्लीट करके ही सोऊंगी नो मैटर व्हाट। तो बस अभी मुझे जल्दी से करना है, तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी इस ब्लॉग को, मैं डायरेक्टली जब मैं स्पेक्स लेने जाऊँगी अभी स्पेक्स लाने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके सो बाय। ऑलराइट गाइस, आज है 18th of January। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मुझे स्पेक्स मिल जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो मुझे मिल गई ये स्पेक्स। वैसे मुझे ये स्पेक्स 1 वीक पहले ही मिल गई थी, बट इसके बाद मैं घर चली गई एंड थोड़ा सा बिजी हो गई तो मैंने शेयर नहीं किया, तो इसलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज माई स्पेक्स, सो दिस इज माई न्यू लुक। आई डोंट नो मेरी फेस में ये कैसी लग रही है, बहुत सारी फ्रेम्स मैंने ट्राई की है उसके बाद तो यही मुझे अच्छी लग रही थी, मेरी फेस में अच्छी लग रही थी यानी, तो इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। बट मैं इसे चेंज करूँगी, फ्रेम को चेंज नहीं करूँगी बट जो ग्लासेस है उसे मैं चेंज करूँगी, बिकॉज थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मुझे ये पहनने के बाद सामने की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी थोड़ी सी ब्लर दिखती है, मोबाइल एंड ऑल, तो इसलिए मैं फिर से जाऊँगी डॉक्टर के चैम्बर में एंड एक बार फिर से कंसल्ट करके देखूँगी। आई थिंक पावर में कुछ इश्यूज़ है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो लेट्स सी, अभी मैं निकलने वाली हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ अब। सो गाइस फाइनली मैंने डॉक्टर से चेकअप फिर से एक बार करवाई है एंड उन्होंने फिर से मेरी एक बार आई टेस्ट की है एंड क्योंकि मुझे उस ग्लास से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर से एक बार मेरी आई टेस्ट की है एंड आई टेस्ट करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा मेरा जो पावर है ना वो कम कर दिया है एंड मुझे और एक स्पेक्स सजेस्ट की है। उन्होंने बोला था कि मेरी जो ये वाली ग्लास है ना जो मैंने दिखाई थी लास्ट आप लोगों को, इसी फ्रेम में इस ग्लास को निकाल के और एक जो पावर कम है उस ग्लास को यहाँ पे लगाने के लिए बोला था, बट मुझे ये जो ग्लास है ना वो इससे भी उतनी भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए मैं इसे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि इससे मैं डिस्टेंट की चीज़ें ज़्यादा क्लियरली देखती हूँ रेदर देन जो अभी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, क्योंकि मेरी एक्चुअल पावर यही है जो फर्स्ट उन्होंने दिया है, बट क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने पावर को थोड़ा सा कम कर दिया है, तो पावर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि और एक मैं न्यू स्पेक्स ले ही लूँ। पहले जो मैंने फ्रेम ली थी वो बहुत ही अच्छी फ्रेम थी, ब्रांडेड फ्रेम थी, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं ऐसी कुछ नॉर्मल सा कुछ लूँगी फ्रेम जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो इसलिए मैंने और एक फ्रेम ली आई है। इस ग्लास में पावर थोड़ा सा कम है। ओके सो या दिस इज़ माई न्यू स्पेक्स अगेन। सो अभी मेरे पास दो दो स्पेक्स है, एक है ये एंड एक है ये, और दो ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसे रख दिया है। अभी मैं दोनों स्पेक्स को ना कुछ दिनों के लिए ट्राई करके देखूँगी, ये भी ट्राई करूँगी एंड ये भी ट्राई करूँगी एंड लेट्स सी कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे वो मैं डेली वेयर करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ इज़ माई न्यू लुक, मैं कैसे लग रही हूँ स्पेक्स पे। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।